अरे अम्मा देखो बाहर किसको आग लगी है। बाबा मैं भी देख के आता हूँ। शहजाद बेटा इस वक्त खैरियत है ना? सईद अंकल की तरह जा दो। सईद घर पे ही है, क्या हुआ है? उनसे बात करनी है। अम्मा कौन है बाहर? बाबा बाहर शहजाद भाई आए हैं। तुम दुआ और सिला के कमरे में रुको, बाहर मत निकलना। ठीक है बाबा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मेरे बाबा को मारा है ना? शुक्र करो जान से नहीं मार दिया। जान से तो मैं आपको मार दूंगा अगर आज के बाद आपने मेरी अम्मी के बारे में कोई गलत बात की तो, और अगर मेरे बाबा पर हाथ उठाया तो। शहजाद बेटा सईद ऐसा क्यों करेगा? देख ले अम्मा, पहले इसका बाप मेरी दुकान पर मुझे धमकाने पहुंच गया और अब ये आ गया। चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। छोड़ दे बच्चे को, बच्चे से मुकाबला करेगा? अरे बच्चा नहीं है अम्मा, आफत का परकाला है, परकाला। से तो मैं सबक सिखा कर खुदा के लिए इसके बाप को मत बुलाना। मैं वादा करती हूँ कि ये आइंदा बदतमीजी नहीं करेगा। तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा, मां सारी बदमाशी निकल जाएगी इसकी। नहीं सही, बच्चा है, गलतफहमी हो गई होगी। बच्चा है, है? बच्चा है, फोन का नहीं। बच्चा है, फोन का है। फोन कहाँ है मेरा? कहाँ गया शहजाद? वाह माँ वाह वाह, भगा दिया उसे। बेटे को बेइज्जत करता हुआ वो नजर नहीं आया तुम्हें? बेटे से ज्यादा है मैं वो तुम्हारे लिए। क्या कह रहा था वो? ये क्या बकवास करते फिर रहे हो तुम असमत के बारे में? जब मोहल्ले वाले उसे अवारगी के ताने देने लगे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और वो शहजाद कह रहा था कि तुमने उसके बाप को मारा भी है? वो आया था मेरे पास दुकान पे, मैं नहीं गया था उसके पास। और अगर उन लोगों की इतनी ही परवाह है ना तो तुम भी चली जाओ उनके पास। तुम्हारी नजर में तो मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। चले गए थे शहजाद, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? हमारी परेशानी में मजीद इजाफा करना चाहते हो तुम? कहां से आ रहे हो तुम इस वक्त? साफ साफ बताओ मुझे। अरे जवाब दो, क्या पूछ रही है अम्मी तुमसे? बाबा मैंने आपकी और अम्मी की छत पे सारी बातें सुन ली थी। आप लोग सईद अंकल के साथ स्ट्रिक्ट क्यों नहीं पेश आते? वो आपको, अम्मी को, बुआ को, हम सबको कितना टॉर्चर करते हैं। सुनो तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? पढ़ाई में ध्यान दो, जाओ अपने कमरे में। असमत ही पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं वहां क्या करके आया होगा। वही जो आप कर आए, आपका ही तो खून है। जैसे आपसे सुनकर नहीं रहा गया, उससे भी नहीं रहा गया। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो डरे ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ा तो हम अपना ही कोई ना नुकसान कर बैठे फरमान।